जय श्री राधे जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल विलेज लाइफ में। तो आज आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, आज मेरी वीडियो की शुरुआत नई जगह से हो रही है। तो यहाँ हमें किसी काम से आना हुआ और हमारी गाड़ी में मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गई है, तो वो गाड़ी को थोड़ा ठीक करवाने गए हैं उधर पे। और मैं आई हूँ, खड़ी हूँ इधर पे साइड में, थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ आपको। तो बैठ बैठ के मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आसपास का व्यू ही कैप्चर कर लेती हूँ। और यहाँ हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जब सुबह हम आए थे तो रास्ते में कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत जल्दी में आए थे, कुछ काम था यहाँ से। और अब हम जब वापस जाएंगे ना तो थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेंगे। तो दावणा घाट से हम वापस आ गए हैं और ये है मंडोड़ घाट देवता का मंदिर। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ से भी कैप्चर कर लिया है, देखो कितनी अच्छी कलाकारी है। तो हम दावणा घाट से ना वापस आ रहे हैं अब डरला साइड को। और देखो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और अब हम खाना खाएंगे। कहाँ खाएंगे खाना? झरना के पास खाएंगे खाना, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। शायद 1-1.5 बजे का टाइम है। हाँ 1:30 बज गया, 1:34 हो चुके हैं। तो ये है बागल होटल, देखो तो जब सुबह हम दावणा घाट को निकले थे ना तो बहुत जल्दी जल्दी में थे, और जल्दी में कुछ भी आसपास का भी कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वापसी में थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर कर रही हूँ और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी। तो हम पहुँच चुके हैं करने के पास में और यहाँ खा लेते हैं बस खाना। तो चलो तो यहाँ पर हमने पहले भी कई बार खाना खाया है और यहाँ से हम आते जाते रहते हैं बराबर। जब भी आना जाना होता है, भूख लगी हो ना, तो खाना हम यहीं पे ही खाते हैं। और यहाँ पतिदेव जी खाना खा चुके थे पहले और मैं अभी खा ही रही थी, तो थोड़ा सा कैप्चर कर रहे थे यहाँ से आसपास के। बहुत ज़्यादा मतलब ना इस रास्ते पे जब जाते हैं सबसे ज़्यादा भीड़ होती है इसी होटल पे। तो देखिए नहीं है, चलो तो खाना खाने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और सच में ना साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान है और ज़्यादा महंगाई भी नहीं है। देखो दार लागी मार्केट, आज संडे ना, संडे वाले दिन जो है मार्केट बिल्कुल बंद रहती है, पर तब भी काफी ट्रैफिक है। पर दुकानें उतनी ज़्यादा खुली नहीं रहती, संडे वाले दिन बंद रहती है, कोई ज़रूरी दुकान ही रहती है खुली। जब लॉकडाउन लगा था तब बिल्कुल सुनसान थी चारों तरफ, कोई एक आधी गाड़ी चलती थी, बाकी बंद। अब संडे वाले दिन भी चैन नहीं है। तो दारला की मार्केट से हम निकल चुके हैं और अब सीधा खड़े होंगे। तो ये है बटनियारी का रोड जो पिपलू घाट साइड को जाता है, तो वहाँ हम थोड़ी देर के लिए खड़े थे, तो वहाँ से मैं थोड़ा सा कैप्चर कर रही हूँ। और यहाँ मैं कुछ गाड़ी में चला रही थी तो पतिदेव जी बना रहे थे वीडियो, आसपास का व्यू दिखा रहे थे आपको। तो मटनियारी से आगे जाकर हम निकल चुके हैं और एक ये रोड गया निचली साइड को, और ये देखो, और ये एक पिपलू घाट को। तो यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है और अब सीधा पहुँच गए हैं पिपलू घाट से सीधा फसल जीरी में। तो यहाँ हमने चलते चलते पता किया है कि किसी के पास गाय तो नहीं है देने के लिए, तो यहाँ गाय आई हुई थी बिकने के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ। तो ये दो तीन गाय थी इनके पास और जहाँ पतिदेव जी खड़े हैं ये हमें पसंद आई। तो अब चलो देखते हैं क्या बोलते हैं, कितना प्राइस मांगते हैं इसका। तो यहाँ से मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है, ये वाली गाय आई है हमारे को पसंद पर, चलो अगर बात बन जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं बनेगी तो कहीं और देखेंगे। पर पैसे ना बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं सच में, तो चलो अगर बात बन जाएगी तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। ये लाइन नहीं है,
इतनी लाते बन ये सा छोटा ही पैर चकरा है लाते बन ये छोटा ही पैर चकरा बच्चा बड़ा बोला मुंह के तेरे तुझे दूई लो चाहे कोई दूई नहीं ऐसा दूई नहीं आज नहीं ना कोई टाइम नहीं है दूर रहने नहीं चला 9 बजे से चले हैं और शाम के 7 बज गए हैं हमारे 7 बजे का टाइम हो गया तो चलो पूरा दिन लग गया पर काम बन गया हमारा आज ना पूरा दिन चल चल के भूत बन गया है मेरा तो देखो और हम पहुंच गए अपनी मार्केट में और बारिश भी लगी हल्की हल्की आज घास भी नहीं काटा पता नहीं बच्चों ने क्या 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 काम किया होगा तो ये तो अभी घर जाकर भी पता लगेगा और देखना हाथों की मेहंदी कितनी फीकी पड़ गई है पता क्यों पड़ती है फीकी सबसे ज़्यादा ना आजकल गोबर होता है उठाने को तो गोबर से और जो गौमूत्र होता है ना गौत्र बोलते हैं हम अपने गाँव की भाषा में उससे मेहंदी ना जल्दी निकल जाती है हल्की फीकी पड़ जाती है यहाँ से ना बारिश स्टार्ट हो गई है पता नहीं आज घास का क्या होगा बच्चों ने काटा होगा कि नहीं काटा होगा ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है तो यहाँ से थोड़ा सा सामान लेना था और सामान लेकर हम अपनी मार्केट से निकल रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी घर पहुँचना है और बारिश भी शुरू हो गई है और तो ये है हमारे गांव की मार्केट और अब हम वीडियो का एंड भी यहीं पर कर देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो ये अब अपनी घर के पास पहुंचने ही वाले हैं और ये देखो ये वाली जो साइड है ना ये आई हमारे घर की तरफ तो ये देखो यहाँ से लेकर बस नीचे मेन रोड से ना 2 मिनट भी नहीं लगते गाड़ी में 2 मिनट से पहले पहुँच जाते हैं और यहाँ पहुँच गए हैं अब हम देखिए तो ये लो जी यहाँ का व्यू तो आप हर रोज़ देखते हैं और अब हम पहुँच गए हैं अपने घर पे तो घर पर पहुँचने पर मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड यहीं पर और जो हमने गाय लाई है उसका वीडियो डालूँगी मैं कल क्योंकि ये वीडियो ना बहुत लंबा हो रहा है तो जय श्री राधे जय श्री कृष्णा।